हेलो चिल्ड्रन, सीनियर केजी, मैं आपकी बुक्स स्वर हिंदी स्वर उत्सव पढ़ाने जा रही हूँ और मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर रितु मैम। आज आपको बड़ी की मात्रा सिखाऊंगी कि कैसे, मैंने आपको लिखने का तरीका सिखा दिया है, आज मैं उसको कैसे पढ़ना है वो सिखाने जा रही हूँ। ओके बच्चों, तो जैसे कि आपका पेज नंबर 16, ओके पेज नंबर 16, ओपन द पेज नंबर 16, तो उसका आपको कैसे लिखा है टॉपिक, बोलकर पढ़िए और समझिए। तो वैसे ही सेम आप मेरे साथ बोलेंगे और इसे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई वर्ण नहीं है, मात्रा नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे इसे, एक। यहाँ पे माँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, तो माँ ली, ला और बड़ी की मात्रा माँ ली, बड़ी की मात्रा को खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे कि माँ ली, एक माली था, पूर्ण विराम, जिस, छोटी की मात्रा है, जिसका, जिसका नाम राजवीर, बड़ी की मात्रा को लंबा थोड़ा सा खींचते हुए राजवीर था, जिसका नाम राजवीर था, पूर्ण विराम, वह बड़ी है तो ईमानदार, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है तो ईमानदार व। अब देखिए यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही मात्रा हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, परिश्रमी, परिश्रमी, इसको हमने धीमे से पढ़ा, परिश्रमी, ओके परिश्रमी था, उसकी बीवी, बड़ी की मात्रा देखिए दोनों पे लगी हुई है, बी वी, बीवी का नाम, बड़ी की मात्रा है देखिए दोनों पर, दीपाली, दीपाली था, पूर्ण विराम, उनकी एक लड़की थी, उसका नाम रीना, रीना था, देखिए हमेशा बड़ी की मात्रा को थोड़ा सा खींचते हुए, रीना था, रीना सीधी सादी लड़की थी, एक दिन रीना बगीचा गई, वह पपीता, पपीता, ये थोड़ा कॉमा है यहाँ पर हम रुकते हैं, पपीता, फिर नेक्स्ट ककड़ी व नाशपाती लाई, नाशपाती मीठी थी, जबकि, देखिए यहाँ छोटी की मात्रा तो कैसे बोलेंगे, जबकि पपीता फीका था, उसने तीन नाशपाती खाई, पतली, दो बार देखिए पतली पतली, ककड़ी भी खाई, दीपाली कहती, कॉमा लगा है एक सेकंड के लिए, यहाँ पर ठहराव होता है, रुकना होता है, दीपाली कहती, रीना ककड़ी खा कर पानी पी, पानी मत पी, फिर ये कॉमा है कि ये जब किसी के कहे हुए जो वाक्य होते हैं, जब यहाँ पर ये दोनों ये कॉमे लग जाते हैं, तो यहाँ पर होता है कि किसी के कहे हुए ये शब्द हैं, तो दीपाली कहती है रीना ककड़ी खाकर पानी मत पी, ठीक है, ये उसका सेंटेंस है, वाक्य है जो कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आगे, रीना आलसी मत बन, राजवीर बाजार जाकर मिठाई लाया, नानी आई, दीपाली ने मिठाई खीर बनाई, नानी ने, सॉरी, दीपाली ने मीठी खीर बनाई, नानी ने मीठी मीठी खीर खाकर परी की कहानी सुनाई। तो बच्चों बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही रीडिंग करनी है, और उसको आपको रीडिंग करने के बाद अपनी जो बुक है, नोटबुक है, उसके पर आपको इसी पेज का सुलेख लिखना है। आपको यहाँ सीनियर केजी, क्लास वर्क और डेट,
डेट डालकर यहाँ पर लिखना होगा बड़ी ई की मात्रा में सुलेख। ओके बच्चों, इसको टॉपिक को रेड लाइन पे हमेशा लिखते हैं, डेट डालिएगा और ये क्लास वर्क होमवर्क दोनों में लिखिएगा बच्चों। तो जैसा मैंने आपको ये बुक से रीडिंग करवाया है वैसे ही आपको ये एक माली से लेकर ककड़ी भी खाई ये पूरे यहाँ तक आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। और जैसे मैं एक पंक्ति आपको लिख के बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे साफ साफ राइटिंग में एक माली था, ओके, जिसका नाम राजवीर था। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही साफ साफ राइटिंग में आप पूरा पूरा पैराग्राफ पतली पतली ककड़ी भी खाई तक आप पूरा कॉपी में लिखेंगे इसको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पैराग्राफ को खाली जगह में दूंगी और कैसे भरना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन इसको जब आप कंप्लीट लिख लेंगे, आप पढ़ लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा शब्द भरना है। मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी बच्चे। तो पहले तो मेरे पास सीनियर केजी की कुछ बच्चों की कॉपियाँ आ गई हैं, तो मैं मुझे आशा है कि बाकी और जिन बच्चों ने नहीं दी है वे भी इन कॉपियों को भिजवा दें ऑफिस में। जैसे और बच्चों की चेक हो रही है तो हम चाहते हैं हमारे सभी बच्चों की कॉपियाँ चेक हों और उनको टाइम टू टाइम डेट बाय डेट काम करते रहिए बच्चे, और सो अपना काम करें और टिल देन ओके बाय।